फरीदाबाद में आज हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध करने वाली 23 कंपनियां भी शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रोजगार मेले में युवाओं को सरकार के साथ अनुबंधित कंपनियों में आवश्यकता अनुसार नौकरियां मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार मेला लगाया है, 23 कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हजारों बच्चे उसमें रोजगार मेले में भाग ले रहे हैं। अब हर कंपनी को कितने बच्चों की ज़रूरत है वो उनके इंटरव्यू लेने के बाद पता चलेगा कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो युवा तकनीकी रूप से निपुण हैं उन्हें इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता दी जाएगी और हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जो उनकी चॉइस का है। सारे 23 कंपनी आई हुई उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो कौशल में निपुण हैं जो लड़के उनको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, जो पढ़े लिखे जो निपुण हैं जो लड़के हैं औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे, औद्योगिक क्रांति होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को नौकरियां मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। लगा है जिससे रोजगारी में बच्चों को रोजगारी मिलेगी और यहाँ पे काफ़ी बच्चे आए हैं और मैं भी आई हूँ ताकि मुझे रोजगार मिल सके और ऐसे रोजगार मेले लगते रहने चाहिए। रोजगार मेला जो आयोजन किया गया है उससे हमारे देश की जो बेरोजगारी है वो काफ़ी परसेंट तक दूर होगी। तो और सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसीलिए सरकार कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवा रही है।